सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन बिजनेस के बारे में। आप में से ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे ट्यूशन बिजनेस क्या होता है, होम ट्यूशन बिजनेस क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आपको स्टार्ट करना है ये बिजनेस, तो आपके लिए जाना ज़रूरी है उन सब चीज़ों के लिए जो मैं बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, बात करेंगे आगे वीडियो में इन सब टॉपिक को लेकर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी बिजनेस रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं सीधे। तो अगर मैं बात करूँ होम ट्यूशन बिजनेस की या ट्यूशन सेंटर बिजनेस की, सबसे पहले तो इस प्रोफेशन को मुझे बिजनेस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक प्रोफेशन ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। और किसी बिजनेस के रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आपके टीचर याद है या नहीं है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, मुझे अपने टीचर याद हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, चाहे वो छोटे कुछ पॉइंट के लिए किया हो या किसी और चीज़ के लिए किया हो, चाहे वो आपके स्कूल के हो, ट्यूशन के हो या कहीं और के टीचर हो, मुझे भी याद है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल प्रोफेशन है। इसमें साथ साथ आप पैसा भी कमाते हैं और इज्जत भी कमाते हैं, और इज्जत भी ऐसी कमाते हैं कि हम जो पर्सन जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ टाइम उस सीख को लेकर अपने साथ रखते हैं और आपका नाम, आपका चेहरा कभी नहीं भूलता। तो इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। अगर आपको सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी देर के लिए आना चाहते हैं, तो इस बिजनेस प्रोफेशन पे मत आइए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। तो सबसे पहले बात करें कि इनको ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से तीन ही ऐसे कैटेगरी हैं जो ये करना कर सकती है। और सबसे पहले तो नंबर वन, जो सीरियसली इसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो उसको करेंगे ही करेंगे, और आप लोग करना भी चाहिए क्योंकि आप बहुत नए काम कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं और साथ साथ चाहते हैं कि कुछ सिखाना और करना चाहते हैं कुछ अर्निंग, ताकि उनकी पॉकेट मनी या फिर कुछ हेल्प फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। तीसरा, हाउसवाइफ या कह सकते हैं वो लोग जो घर से काम करना चाहते हैं और कमा जाते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा। अब बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली। इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगने वाले, क्योंकि आप स्टार्ट करें अभी अपने घर से। और कुछ लोग अगर चाहते हैं कि इसको आप बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं, आप होम ट्यूशन अभी पढ़ा ही रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कितना लगेगा? देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितना गुड़ डालोगे दोस्तों, उतना मीठा होता है। हर बिजनेस की कुछ स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज में आप चाहते हैं तो कम से कम इन्वेस्टमेंट भी आप शुरू कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक स्टडी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ टीचर्स अपने संग हायर करने पड़ेंगे जो आपके साथ संभालेंगे उस चीज़ को। तो अगर आप इनिशियली बात करेंगे होम ट्यूशन के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगने वाली। और बात करते हैं यहाँ प्रॉफिट की। तो उससे प्रॉफिट की यहाँ बात करने के लिए तो कुछ रहा नहीं गया है। प्रॉफिट तो इसमें इतना ज़्यादा है, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे की पढ़ाई है किसी तरीके से उस पर कमी आए। ठीक है, आप नहीं चाहेंगे कि जैसे आपके जो अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप पेरेंट हैं या फिर अगर आप चाहते हैं, आपने खुद देखा होगा अपने मम्मी पापा जो हैं, आपकी पढ़ाई के लिए कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि यार नहीं, ये ट्यूशन ज्वाइन मत करो, बस आप पढ़ो। ठीक है, तो पैसों की तो आप टेंशन छोड़ ही दीजिए। एक, अगर आप छोटे बच्चे क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं इनिशियली, तो उसमें भी आपको महीने के 500-1500 रुपये ईजिली आपको मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट के, या पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे अगर आप नर्सरी या फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है तो। और जो स्पेशली जो हाउस वाइफ है, उनके लिए मैं सजेशन में देना चाहूँगा कि अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने सिर्फ 12th किया है फिर ग्रेजुएशन किया है, तो आपको अगर बीच में अगर गैप हो गया है चीज़ों को लेके, तो आप थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा सा कम क्लास के बच्चों को पढ़ाइए। जैसे आपका जो सब चीज़ रिवाइज हो जाएगा, तब आप इनिशियली आप देख सकते हैं कि जो क्लासेज हैं बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो डिपेंड करता है पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर कि आप कितने डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखिएगा। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए पहले सोच रहा था 100 बार, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे साथ मन में थॉट आया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ये मैं जेनुइनली आप लोगों से अपील है कि अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो ही खींचे, वरना बिजनेस तो बहुत सारे हैं चैनल पर, आप देख लीजिए। तो नाम मैं नरेंद्र, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिसमें बात करूँगा किसी और बिजनेस फ्रेंचाइजी के बारे में। तब तक देते रहे बोलते रहे, धन्यवाद।